मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इस लॉकडाउन में पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं अपना बाल कटवा सकूं। आपने देखा होगा इसके पहले वाले वीडियो में कि मेरे बाल काफी लंबे हो गए थे। वजह यह था कि सैलून वगैरह खुल नहीं रहा था, तो संभव मैंने कुछ इंतजाम करवाया और फिर बाल मेरे अब ठीक ठाक कट गए हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग फिर पढ़ाई करेंगे। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो आज मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और बाकी चीजें भी बोलूंगा। इस वीडियो के बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो यानी कल अपलोड होगा, इसके बाद वो होगा डीपीपी का सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसके बाद डीपीपी का सॉल्यूशन मैं कल, मतलब इस वीडियो के बाद आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, फिर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर वो जो पिछला 3 वीडियो है उनको आप जरूर देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ही आपका ये डिपेंडेंट है। ओके, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं समझ पाएंगे। ओके, चलो, तो सवाल है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक कैसे। तो मैं फिर एक बार आपको रिकैप कर देता हूं। ध्यान दो दोस्तों, पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि देयर आर 2 मेथड्स, एक कूलम लॉ के को यूज करके और दूसरा गॉस लॉ। जो दूसरा वाला गॉस लॉ है ना, उस गॉस लॉ के लिए सारा इंतजाम किया जा रहा है। इंतजाम का मतलब, जैसे हमने इस क्लास के पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया, अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन दोनों के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आप समझ पाएंगे गॉस लॉ। और गॉस लॉ के पढ़ने का क्या फायदा है दोस्तों? गॉस लॉ के पढ़ने का फायदा यह है कि आप वेरियस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप देखो, ये फ्लो चार्ट समझो, है ना। बाकी लोग सीधा पढ़ाते हैं कि आज ये आज वो नहीं, आप समझो कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो हम लोग को दरअसल कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ही, और उसके लिए ये सारा इंतजाम हो रहा है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स, फ्लक्स के बाद गॉस, और गॉस का यूज हम लोग करेंगे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने में। ओके, तो ठीक है। और गॉस लॉ बहुत ईजी है। गॉस लॉ की क्या खासियत है? एक तो वो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में उसके ऊपर एलक्यू पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। ओके, तो आप फिर से वही बात बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले उन 3 वीडियोस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बनाए गए हैं उसको आप ध्यान से जरूर देख लें। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो, तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? तो देखो, सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आने से पहले अपने को समझना होगा कि ये फ्लक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, ये फ्लक्स का मतलब अपने को समझना पड़ेगा। देखो, फ्लक्स वर्ड से एक मीनिंग आता है फ्लो, है ना, फ्लो करने का रेट। समथिंग इज फ्लोइंग, समथिंग इज फ्लोइंग थ्रू गिवन एरिया। किसी दिए गए एरिया से जो कुछ फ्लो होता है, फ्लो होता है मतलब बहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। अब जैसे देखो, नदी में पानी बह रही है, पानी चल रही है, तो आप क्या करो, नदी के यानी रिवर के क्रॉस सेक्शन एरिया को देखो। क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो, जो लेंथ होता है, लेंथ के परपेंडिकुलर जो एरिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लो नदी में क्या होती है, वाटर फ्लो होती रहती है दिन भर, तो वाटर का जो फ्लो है, वाटर के फ्लो का जो रेट है, तो वो हो गया वाटर फ्लक्स। मान लो कहीं हवा चल रही है, एयर चल रही है, तो एयर आ रही है, फिर एयर जा रही है ना,
तो एयर जो फ्लो होके आ रही है तो उसको एयर फ्लक्स, हीट फ्लो हो रही है, हीट कहीं से आ रहा है फिर जा रहा है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट आ रहा है जा रहा है, इसको बोल दिए हीट फ्लक्स। तो सवाल यह है कि इतना सारा मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि ये फ्लक्स का मतलब क्या है। तो फ्लक्स मीन्स समथिंग इज फ्लोइंग थ्रू द गिवन एरिया। तो समथिंग इज फ्लोइंग थ्रू द गिवन एरिया उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है। क्या कंफ्यूजन आएगा भाई? तो फ्लक्स मतलब फ्लो होना, इलेक्ट्रिक का मतलब तो चार्ज से कुछ मीनिंग आता है। तो लोगों को यह कंफ्यूजन हो सकती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब चार्ज इज फ्लोइंग। टोटली रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। चार्ज के फ्लो करने को तो करंट बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहां पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फ्लो करने को बोलते हैं। अब कहोगे ये कौन सी बात हो गई? तो देखो, जैसे मान लो कि तुमने देखा था कि ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और इसके लिए EFLS ड्रॉ करो। लिखना कुछ मत अभी, अभी मैं बस समझा रहा हूं आपको। ये मैंने इसके लिए EFLS ड्रॉ कर दिया। आपको पता है पिछले क्लास में बता रखा है मैंने, ये इसके सराउंडिंग में रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा, मतलब लाइन से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक काम करो, अपने मन से एक हाइपोथेटिकल एरिया, दिस इज नॉट रियल एरिया। आपको पता है ये लाइंस भी हाइपोथेटिकल है। आपको जब EFLS बताया गया था तो बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइन। अब इन लाइंस के बीच में हमने अपने मन से एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंसीडर कर लिया। अब आप देखो, इस एरिया से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस एरिया से 6 लाइनें क्रॉस कर रही हैं। तो दोस्तों, ये जो 6 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो ये लाइंस की संख्या जो इस एरिया से क्रॉस कर रही हैं, तो इस एरिया के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ उसको रैंडमली मैंने लिख लिया 6। अब ये देखो, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि रैंडमली लिख लिया, क्योंकि कितना लाइन ड्रॉ करना है ये भी तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑटोमेटिकली अगर लाइंस की संख्या आपके ऊपर डिपेंड कर रही है तो ये जो फ्लक्स का रैंडम सिलेक्शन जो 6 है ये भी आप ही के ऊपर होगा। लेकिन एक बार जब आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अगर आप इन दो एरिया को कंपेयर करो, देखो इन दोनों एरिया का जो साइज है A1 और A2 दोनों का साइज सेम है, एरिया सेम है, लेकिन ये इस एरिया से टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन क्रॉस कर रही है और इससे कितनी क्रॉस कर रही है? 3। तो ऑटोमेटिकली A2 के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी होगी? 3। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज 6, 3 ऐसे फ्लक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है। फ्लक्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है जो हम लोग अभी देखेंगे। फिलहाल मैं आपके समझने के लिए इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ EFLS पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। किसी एरिया से जो नंबर ऑफ EFLS कितना पास कर रहा है वो उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। और ये लाइनें जितनी ज्यादा पास करेंगी, जितने ज्यादा संख्या में उस एरिया को क्रॉस करेंगी, उस एरिया का फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहां पे मैंने ई लिख दिया है। ई का मतलब हो गया फिलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक बार हेडिंग में आ गया तो आप सीधा फाई भी लिख सकते हो, है ना? तो कहने का मतलब है इस एरिया A1 का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φ1 मान लें और एरिया A2 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर φ2 मान लें, तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि φ1 ग्रेटर देन φ2। कोई पूछेगा क्यों φ1 ग्रेटर देन φ2 हुआ? तो सीधी सी बात आप ये बोलोगे
कि फाई वन मतलब ए वन का फ्लक्स ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा जा रही हैं। ओके, अब तुम कहोगे कि सर क्या यहां पे कोई ऐसा लाइन, कोई ऐसा एरिया नहीं हो सकता है जिसमें इतना ही फ्लक्स जाए? सिंपल है, तुम जितना बड़ा एरिया ड्रॉ करोगे, फ्लक्स को बढ़ाने का एक और तरीका है। फ्लक्स को बढ़ाने का एक और क्या तरीका हो सकता है बच्चों, कि अगर आपने बड़ा सा एरिया ड्रॉ कर लिया है ना, तो ऑटोमेटिकली ढेर सारी लाइनें क्रॉस करेंगी। तो फ्लक्स जो है वो इस बात पे भी डिपेंड कर सकती है कि एरिया आपका कितना बड़ा है ना। फ्लक्स बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर सकती है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, याद होगा इसको हम लोग जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए थे ईएफएनएस में, याद करो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना। किसका है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस केस में देखो, अगर आपने यहां पे एरिया ड्रॉ किया तो इस एरिया से कितनी लाइनें गई? 1 2 3 मान लो ये ए वन मान लो। फिर यहां पे आपने एक बड़ा सा एरिया ड्रॉ कर लिया ए टू। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम क्यों है? क्योंकि ये हमारा किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान मैंने आपको बता रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ओके, तो देखो ए वन से 3 लाइंस क्रॉस कर रही है और A2 से आपका 1 2 3 4 5 6, तो ऑटोमेटिकली A1 के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो फाई वन और A2 के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज फाई टू, तो फाई टू इज ग्रेटर देन फाई वन। तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि एरिया कितना बड़ा है। और जबकि हम यहां देख सकते हैं कि अगर अब यहां पे क्या है कि सेम एरिया को अगर मान लो एक तीसरा एरिया ले लो जो इसके और नजदीक जाके ड्रॉ कर दो, तो भाई आप सोचो ये ए वन है, ये ए टू है और मान लो ये ए थ्री है, तो ए थ्री में तुम देख रहे हो कि ये तीनों एरिया का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ऑटोमेटिकली इसका फ्लक्स तो और ज्यादा हो गया क्योंकि ये जितना दूर में जाके ड्रॉ कर रहे हैं तो कम लाइंस क्रॉस कर रही हैं, बीच में ज्यादा और इस चार के नजदीक आने पे तो और ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो एक बात सीखो, समझो, यूनिफॉर्म फील्ड में क्या है कि फ्लक्स अगर बढ़ाना है तो आपने एरिया को बढ़ा लिया, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, इसका फील्ड तो याद है तुमको नॉन यूनिफॉर्म होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं फील्ड घटता है, तो जैसे जैसे तुम चार्ज के नजदीक आ रहे हो तो तुम देख रहे हो कि फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस उसी एरिया में बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया में क्यों बढ़ रही हैं? तो तुमको बताया जा चुका है कि पर यूनिट एरिया जितनी ज्यादा लाइनें होती हैं फ्लक्स उतना ज्यादा होता है। तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करवाऊंगा, यानी इस केस में अगर देखा जाए तो फाइव थ्री सबसे ज्यादा हो जाएगा। फाइव थ्री जो है वो आपका ग्रेटर होगा किससे? फाइव वन से, और किससे ग्रेटर होगा? फाइव टू से। समझ गए ना? यहां ये तीनों एरिया सेम लिया गया, लेकिन जो एरिया जितना दूर जाके ले रहे हो उसका फ्लक्स कम है। उसका फ्लक्स कम क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कम है, या दूसरे शब्दों में ऐसे बोलो, दूसरे वर्ड्स में तुम बोल सकते हो कि देखो जैसे जैसे दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो फ्लक्स भी घट रहा है। यहां पे क्या है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तब भी इसका फ्लक्स ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा हुआ। तो इन सभी बातों को अगर कंक्लूड करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये दो चीज पे फिलहाल तो डिपेंड कर रहा है, आगे एक चीज पे और, एक डिपेंड कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। तो ये सारा डिस्कशन का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंडेंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे और एरिया पे। यहां पे क्या हो रहा है, तीनों एरिया का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, इसलिए फ्लक्स इसका घट रहा है।
और या सीधा सीधा देखना चाहते हो तो जैसे जैसे दूर जा रहे हो नंबर ऑफ लाइंस इससे पास होने वाले घट रहे हैं। इस केस में अगर देख ले तो यूनिफॉर्म में सब जगह फील्ड सेम है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, सॉरी इन दोनों एरिया को अगर कंपेयर करें तो जो एरिया आपका बड़ा है उस एरिया से फ्लक्स भी क्या है, ज्यादा है। तो कुल मिला के इस अभी तुमको क्या सीखना है, यहां से यही सीखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ EFLs पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ओके, तो इसमें से कुछ राइट डाउन करना तो कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे और फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, लेकिन ये एक और चीज पे डिपेंड करता है जो मैं आपको बताता हूं। मान लो कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अब यूनिफॉर्म फील्ड की क्या पहचान होती है, मैंने पहले आपको बता रखा है। देखो ये EFLs है जो एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है, तो ऐसा EFLs बार बार मैं बोल रहा हूं वो रिप्रेजेंट करता है कैसे फील्ड को, यूनिफॉर्म फील्ड को। अब देखो आप खुद सोचो, इसमें हमने इसके परपेंडिकुलर एक स्क्वायर एरिया ले लिया है ऐसे, ठीक है ना। मतलब ये आप समझो कि इस तरीके से आपका फील्ड है इस तरीके से, और ये आपका हो गया एरिया, एरिया एकदम फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये सारी लाइनें जो हैं आप देखो 1 2 3 4 5, अभी इससे मान लो 5 1 कितना हो गया 5। अभी क्या करना है, फील्ड तो आपका ऐसे ही है और ये एरिया ऐसे है, आप ना इस एरिया को टिल्ट करो, टिल्ट करो मतलब इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो, एंगल बना दो ऐसे। फील्ड तो अपने ही है, एरिया को आपने थोड़ा क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। तो देखो आप इंक्लाइन कर दो, ध्यान देना हमने फील्ड के मैग्नीट्यूड में भी कोई फर्क नहीं किया है और ना ही हमने एरिया के मैग्नीट्यूड में फर्क किया है। फर्क क्या किया है, बस एरिया के एंगल में। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन जो पहले इस एरिया को क्रॉस कर रहा था अब ये इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, हालांकि कुछ लाइनें अभी भी इसको क्रॉस कर रही है, इसका मतलब फ्लक्स है। लेकिन इस केस में जो फ्लक्स आ रहा है दैट इज 5 2 केस में फ्लक्स आ रहा है, ये इससे कम है ना। मान लेते हैं 1 2 3 4, ये रैंडम मैंने एक एग्जांपल लिया, आप इस पे भरोसा मत करना कि इसका 5 मैग्नीट्यूड हो गया, लाइंस तो ड्रॉ करना अपने हाथ में, बस आप ये समझो कि ये मैं ये यहां हम लोग दिखा सकते हैं कि 5 1 ग्रेटर देन 5 2। अब इस एरिया को टिल्ट करिए और टिल्ट करते करते अगर मान लो इसको हम लोग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दे, ऐसे कर दे, यानी इसके ये एरिया का प्लेन हो गया। देखो एक चीज समझो, ये एरिया का जो है, ये जो मेरा पाम है, दिस पाम इज प्लेन ऑफ द एरिया। अब इस एरिया को के इस प्लेन को अगर फील्ड के एकदम पैरेलल कर दिया जाए लाइक दिस, तो पैरेलल अगर कर दोगे तो देखो क्या होगा। अगर आपने पैरेलल कर दिया तो आप देखो, जब ये ऐसे था तो इसमें लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो आप खुद सोचो लाइंस तो इसके या तो ऊपर से निकल जाएंगी या तो इसके नीचे से चली जाएंगी, कोई लाइन इस प्लेन को क्रॉस नहीं करेगी। आप खुद सोच के देखो, ऐसे है तो ये क्रॉस कर रहा है, थोड़ा इमेजिन करो थ्री डायमेंशनली तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ऐसे है तो ये इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, और अगर ये एरिया ऐसे हो गया तब ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, लाइन टच करते हुए निकल जा रही है सब, मतलब ये वाली लाइन टच कर गई, ये सब इन्होंने तो खैर टच भी नहीं किया। तो इस केस में अगर ये एरिया आपका इस तरीके से हो जाए जो कि मैंने यहां बनाया, तो कोई भी लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो देखो इसका मतलब है कि ये फ्लक्स जो है अब ये 3 चीज पे डिपेंड कर रहा है, 2 तो मैंने पहले ही बता रखा था,
एक और फैक्टर आ गया, वो फैक्टर क्या है? तो ये फ्लक्स डिपेंड कर रहा है दोस्तों किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दूसरा एरिया के मैग्नीट्यूड पे, तीसरा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के प्लेन पे भी डिपेंड कर रहा है कि एरिया किधर है। ये सब चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं, अभी तक कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मैंने नहीं किया है, अभी बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि फ्लक्स आखिर होता क्या है। तो अब मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने जा रहा हूं, अब मैं मैथमेटिकल रिलेशन लिखूंगा और जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला। अभी तक आपको मैंने थ्रेटिकली समझाया कि फ्लक्स होता क्या है, तो फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, और वो किन किन बातों पे डिपेंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड किया, एरिया के साइज पे डिपेंड किया, और एरिया का एंगल पे भी डिपेंड किया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे ओरिएंटेड है। ओके, इन तीनों फैक्टर्स को हम लोग चाहे तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपके सामने मैं अब करूंगा। ओके, तो आप थोड़ा बहुत लिख लो, एग्जांपल लिख लो इसको। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी समझाया वो मैं यहां पे लिखा हूं, तो मैंने क्या लिखा यहां पे देखो आप, सबसे पहले ऊपर इट इज हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी, पहली बात ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि ई एफ एल एस से रिलेटेड है, तो ई एफ एल एस इज नॉट रियल, तो ये भी आपका रियल नहीं होगा, हाइपोथेटिकल होगा। Which is related with number of electric field lines passing through the given area, जिसका संबंध जो है वो electric field के lines के संख्या से है जो उस area से pass कर रही है। फिर मैंने क्या लिखा, mathematically electric flux is given by following equation, अभी आपको बोल रहा था मैं कि mathematically इसको calculate करने का एक equation है जो मैंने board पे लिखा है। अब मैं इस इक्वेशन को आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप एक बार इसको लिख लेंगे। मैंने यहां पे क्या लिखा, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने लिखा है phi e यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन दिया है e डॉट da। अब ये e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और da क्या है दोस्तों, da जो है स्मॉल एरिया वेक्टर है, है ना। अभी मैं समझाऊंगा इसको, पहले आप एक बार राइट डाउन करो, इसको लिख लो। तो ये देखो ये फ्लक्स का जनरल इक्वेशन है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो जैसा कि तुम देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लीकेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको याद होगा न्यूटन पर कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम को मीटर स्क्वायर यानी एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या एक और था हमारे पास, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट था वो वोल्ट पर मीटर था, तो वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्ट मीटर, दैट्स इट। और उसके बाद देखो फ्लक्स, फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसे समझे, तो देखो यहां पर डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है तुम्हें, तो तुम्हें याद होगा वेक्टर में कि जब दो वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर को डॉट करने से व्हाट वी विल गेट ए स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो अब मैं आपको ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने बोर्ड पे, मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों ये हमारा है जनरल इक्वेशन, ध्यान से देख लो, ये हमारा फ्लक्स कैलकुलेट करने का जनरल इक्वेशन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए। अभी मैं सबको ढंग से आपको सबका परिचय दूंगा, सबका इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन क्या है। मान लो कि जब तुम फ्लक्स कैलकुलेट करने जाते हो तो दो प्रकार की सिचुएशंस हो सकती है, फ्लक्स या तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कैलकुलेट कर रहे होगे या फिर आप फ्लक्स कर रहे होगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो मान लो अगर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए अगर कर रहे हम लोग, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब सब जगह उसकी वैल्यू क्या है, सेम। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो
तो देखो आपको बताया गया है कि इंटीग्रेशन के साइन से उन चीजों को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं जो आपका यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये जनरल इक्वेशन है, इट इज वैलिड फॉर ऑल कंडीशंस, ये सभी के लिए वैलिड है। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अगर दिए गए स्पेस में जहां हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखो क्या लिखना होगा, फिर फाइ ई इक्वल्स टू ई बाहर आ गया, अब अंदर में बच्चों क्या बच गया, डी ए। अब एक बात देख के तुम बार बार चौंक रहे होगे, ये डी ए क्या है? तो देखो डी ए क्या है, डी ए जो है ये आपका वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर। अब यहां पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये एरिया वेक्टर कैसे हो गया। देखो दोस्त, एरिया वेक्टर हो सकता है, रियल वेक्टर नहीं, हाइपोथेटिकल वेक्टर। देखो वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और आप उसको एक डायरेक्शन दे दो। तो एरिया वेक्टर के केस में भी हम लोग एरिया के को हम लोग यहां पे एज्यूम करेंगे कि इट विल बिहेव लाइक ए वेक्टर। अब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन कितना होगा, ये अभी मैं कैलकुलेट करके अभी बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि जिस एरिया के थ्रू हम लाइन को क्रॉस करवा रहे हैं उस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर। और डी ए का मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर। तो जैसा कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म है, तो ई बाहर आ गया तो अंदर में क्या बच गया, छोटा सा एरिया वेक्टर। और तुम जानते हो इस साइन का मतलब है इंटीग्रेशन, ये उन छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स को ऐड करेगा तो आपको एक टोटल एरिया मिल जाएगा। तो फाइनली आप लिख सकते हो फाइ ई इक्वल टू ई डॉट ए। अब ये डी ए से ए कैसे बन गया दोस्त, तो डी ए से ए इसलिए बन गया क्योंकि डी ए है छोटा सा एरिया, और छोटे से एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल एरिया हमको दे देगा। दैट्स व्हाई डी ए को हमने यहां क्या लिख दिया, ए। अब ये फॉर्मूला आपका फाइनल आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, लोग ये भी डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट ये नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूला आपका ये है। यहां तक पहुंचने के लिए फील्ड को होना चाहिए यूनिफॉर्म। ध्यान सुनो, यहां तक पहुंचने के लिए फील्ड को यूनिफॉर्म होना पड़ेगा, तब ये ई इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आएगा। लेकिन तुमको सर अगर ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म रहा इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को छोटे से एरिया वेक्टर के साथ डॉट करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर नहीं आ पाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो डी फाइ यानी छोटा सा फ्लक्स, तो छोटा सा फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू छोटा सा एरिया वेक्टर। और टोटल फ्लक्स अगर चाहिए तो इन छोटे छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट करोगे और डी फाइ की जगह क्या लिख सकते हो, ई डॉट डी ए, जो यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ध्यान दो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, तब तो सीधा ई डॉट टोटल एरिया कर देना है। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले छोटे से एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट करके छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे और छोटे छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स। तो सीधी सी बात है, इसको ऐसे लिखने के बजाय डायरेक्ट हम यहां भी लिख सकते थे कि अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो ये बाहर आके ये बन जाएगा और अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो ये अंदर ही रख के इसको छोटे से एरिया के साथ डॉट करना पड़ेगा और फिर प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। तो दोस्तों ये दोनों ही तरीका हमारे पास है
एक यूनिफॉर्म फील्ड के फ्लक्स को निकालने का और एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के फ्लक्स को निकालने का। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में जो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे वो आपको पूछे जाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स का। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन इस पे बनाए रखेंगे ई डॉट ए पे। लेकिन याद रहे ये किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, और ये किसके लिए वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। हालांकि इसको आप जनरल रूल भी बोल सकते हो क्योंकि इसी में ई कॉन्स्टेंट होके बाहर निकलने से आपका ये बन जाता है। ओके दोस्तों, तो फिर ये हमारा फॉर्मूला हो गया कब कहां लगाना है। छोटा सा फ्लक्स अगर निकालना हो तो बस छोटे से एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर देना है, डॉट कर देना है। तो आपको छोटा सा फ्लक्स डी फाई का मतलब हो गया वेरी स्मॉल फ्लक्स। ओके, तो इस पे हम लोग आगे बात करते हैं। आप एक बार इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों अपना इक्वेशन क्या निकल के आया, ई डॉट ए इक्वल्स टू फाई। ओके, ये अपना इक्वेशन निकल के आया। अब डॉट प्रोडक्ट में तो तुम्हें पता है, डॉट में ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये वेक्टर से हम लोग को ये नॉलेज है कि अगर ए डॉट बी करेंगे तो ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक इस तरीके से ही इसको मैं मिटा देता हूं, आपको तो आता ही होगा ये। तो देखो यहां पे क्या करना है हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ई करना है हम लोग को। तो फाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ओके, फिर आगे देखते हैं। तो यहां पे ये हो गया आपका ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखो आपका ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा, इसमें ये थीटा जो है ये है आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या क्या हो सकता है। अब ये थीटा मान लो आपका जीरो के बराबर या उससे बड़ा हो और 90 से छोटा हो, है ना। थीटा का रेंज जीरो टू 90 के बीच में हो तो आप जानते हो कॉस जीरो टू 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो आपका ये फ्लक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद अगर थीटा आपका 90 डिग्रीज होगा तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो। और थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ, है ना, तो ये आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दोस्तों ये फ्लक्स के बारे में हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स आपका पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आपका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ई ए कॉस थीटा हो गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आपको कहां पे दिक्कत आ रही होगी, आपको दिक्कत एरिया वेक्टर को लेके आ रही होगी। तो अब मेरा फोकस होगा एरिया वेक्टर। आगे बढ़ने से पहले, किसी स्ट्रक्चर का फ्लक्स को कैलकुलेट करने से पहले, किसी एरिया का फ्लक्स निकालने से पहले, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एरिया वेक्टर होता क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप देखो कि आपका ये फ्लक्स जो है वो प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग सीखेंगे किसको, एरिया वेक्टर को। तो एक बार इसको आप राइट डाउन कर लो। तो यहां पे अब हम लोग सीखेंगे एरिया को लेके, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि हम लोग यहां अज्यूम कर रहे हैं, तो इस वेक्टर का एक तो होना चाहिए डायरेक्शन और दूसरा होना क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैं अभी दोनों चीज आपको डिफाइन करके बताता हूं कि एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। तो इसके पहले आप समझो जरा एक चीज को,
एरिया को मैंने दो टाइप में डिवाइड कर लिया है। ये आपके सुविधा के लिए, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा कि आप ऐसे मानो कि जब भी एरिया जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स में आएंगे, न्यूमेरिकल में रहेंगे, तो दो टाइप के एरिया रहेंगे। एक एरिया होगा ओपन एरिया और एक एरिया जो होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड एरिया, है ना। तो क्लोज एरिया और ओपन एरिया। सवाल है ओपन एरिया किसको बोलेंगे। देखो ओपन एरिया जो होगा, जैसे कोई स्क्वाड प्लेट है, ठीक है ना, जैसे मेरा हाथ है मान लो, ऐसे ये एक रेक्टेंगल मान लो इसको, तो ये ओपन एरिया का हो गया। ये एक सर्कुलर डिस्क होता, तो भी वो आपका क्या होता, ओपन एरिया। ओपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो कि जैसे किसी रूम में मान लो टोटल जो वॉल्स होती हैं, 6 वॉल होती हैं, इंक्लूडिंग सीलिंग और फ्लोर को लेके टोटल रूम में कितने वॉल्स होती हैं, 6, 4 दीवार हो गई सामने में, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये सब मिलके एक रूम बनाती है। और रूम में क्या हुआ, एक वॉल्यूम। रूम जैसे मान लो ऐसे, अगर 6 क्यूब 6 सरफेस से क्या बनेगा, क्यूब, और क्यूब से एक आपका एक वॉल्यूम बन गया। तो वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम में हम लोग रहते हैं, बीच रूम, रूम का जो स्पेस है वो वॉल्यूम हो गया। तो वो जो दीवारें हैं, वो जो वॉल्स हैं, दोज वॉल्स आर पार्ट ऑफ क्लोज एरिया, क्योंकि वो एक वॉल्यूम का निर्माण कर रही है। अब मान लो उसी में से सिर्फ एक दीवार होती और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक दीवार होती ऐसे, इसको ऐसे रेक्टेंगुलर, इधर भी कुछ नहीं होता, इधर भी कुछ नहीं होता, तो वही वॉल जो है वो क्या कहलाता, ओपन एरिया। तो ओपन एरिया वो एरिया हो गया जो किसी भी टाइप का कोई भी वॉल्यूम को इनक्लोज ना करे। जैसे कि अब जैसे मान लो कि ये आपका डिस्क है, ये डिस्क है, अब ये किसी वॉल्यूम का हिस्सा नहीं है, ये आपका हो गया ओपन एरिया। ये डिस्क भी क्या हो गया आपका, ओपन एरिया, है ना, हाथ भी क्या हो गया, ओपन एरिया। लेकिन अगर ऐसे ऐसे 6 सरफेस मिल जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्लोज एरिया। तो जैसे मान लो ये मैंने क्यूब बना दिया, ध्यान से समझते जाना, ये क्यूब बन गया, ये किसका एग्जांपल हो गया, क्लोज एरिया का। ये मान लो स्फेयर है, स्फेयर एक फुटबॉल है, एक गोला है, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो है, अगर एक स्फेयर है तो, स्फेयर है तो स्फेयर के अंदर भी वॉल्यूम होता है, तो वो भी किसका हिस्सा हो गया, क्लोज एरिया का। मान लो एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया, ये क्यूब हो गया, ये स्फेयर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये सब कौन सा एरिया हो गया, क्लोज एरिया। क्लोज एरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ वॉल्यूम है, तो इन एरिया को हम लोग बोलते हैं क्लोज एरिया। ये क्यूब हो गया, ये आपका स्फेयर हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया। पहले एरिया का हम दोनों का आपको क्लासिफिकेशन समझा दिया, फिर बताएंगे अलग अलग करके। ओपन एरिया का कौन कौन सा हिस्सा हो गया, ओपन एरिया में जैसे मान लो ये एक प्लेट हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट, सिर्फ एक प्लेट, या फिर ये एक डिस्क है, डिस्क मतलब सिर्फ एक इस तरीके से, ये आपका प्लेट हो गया, ये प्लेट स्क्वायर प्लेट भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये एक आपका डिस्क हो गया, ये किसी वॉल्यूम का हिस्सा नहीं है, तो ये हो गया ओपन एरिया और ये हो गया क्लोज एरिया। तो ओपन एरिया में हम लोग बोल सकते हैं डज नॉट इनक्लोज एनी वॉल्यूम, मतलब ये किसी प्रकार के वॉल्यूम को इनक्लोज नहीं करता है, कौन, ओपन एरिया। क्लोज एरिया क्या करता है, इट इनक्लोजेस सम वॉल्यूम। चलो सवाल ये है कि मैंने इन दोनों एरिया को अलग अलग क्यों किया, तो सुनो, अब ये दोनों ही में हम लोग एरिया वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं।
लेकिन दोनों में एक फर्क है, वो इसके डायरेक्शन को लेके आएगा। तो डायरेक्शन को लेके क्या फर्क आएगा, तो रूल ये कहता है कि एरिया वेक्टर, देखो यहां मैंने लिखा है एरिया, तो एरिया वेक्टर में डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लेन। ठीक है, तो जैसे मान लो ये प्लेट है, तो इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा। कैसे निकालोगे वो, मान लो इसकी लेंथ L है, विड्थ B है, तो L इंटू बी। ये मान लो डिस्क है, तो इसका रेडियस आपका क्या है, R है, तो इसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, जो एरिया का प्लेन होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का हो गया आपका L इंटू बी, इसका हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। क्यूब के केस में देखेंगे तो कोई भी एक सरफेस का अगर पूछेगा तो क्यूब का मान लो कि 6 सरफेस है टोटल। इसी तरीके से स्फेयर है, तो स्फेयर का आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये सिलेंडर है, सिलेंडर में टोटल 3 एरिया है, दिस एंड सिलेंड्रिकल। तो अभी क्या है कि मैग्नीट्यूड निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, मैग्नीट्यूड जो तुम ज्योमेट्री से निकालते हो वैसे ही आएगा। मतलब रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, क्यूब है तो इसके हर एक फेस का आपको निकाल के ऐड कर देना है, फिर स्फेयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, सिलेंडर में क्या हो गया, ये दो फ्लैट सरफेस जो दोनों एंड पे हैं, पाई आर स्क्वायर। अब फिर सिलेंड्रिकल सरफेस, ये बीच वाला जो सरफेस हो गया इसका, वो हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस जो होता है 2 पाई आर एल। तो एरिया का मैग्नीट्यूड लिखना मुश्किल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया का डायरेक्शन। तो देखो यहां पे एरिया के डायरेक्शन को लेके हम लोग बात करेंगे, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को, डायरेक्शन। तो ओपन एरिया और क्लोज एरिया के केस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिया जाता है उसके लिए रूल है। अब वो रूल क्या है वो सीखो। अगर ओपन एरिया है तो आपको करना क्या है कि जो एरिया का प्लेन है, ठीक है ना, मान लो प्लेन करने का मतलब जैसे मेरा ये हाथ एक एरिया है, तो एरिया का जो मेरा पाम है, पाम मतलब हथेली, ये हो गया मेरा पाम, हो गया प्लेन। अब इस प्लेन के ऊपर ये जो पेन है, ये जो है मेरे हथेली पे, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात है, मेरा हाथ एक ओपन एरिया है, ये किसी वॉल्यूम का पार्ट नहीं है, इधर भी खाली इधर भी खाली। अब इसके ऊपर अगर तुम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, चाहे इधर ड्रॉ करो चाहे इधर ड्रॉ करो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। आप इस पाम पे, इस एरिया पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करो, दैट परपेंडिकुलर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मतलब इस पे या तो एरिया वेक्टर इधर दिखा सकते हो या इसके बैक में, ठीक इसी तरीके से इस पे इधर दिखा सकते हो या इसके बैक में। इसमें ओपन एरिया में आपको एरिया वेक्टर लेने का फ्रीडम है, चाहे आप इधर परपेंडिकुलर ले लो चाहे दिस साइड परपेंडिकुलर ले लो, लेकिन फिर आपको कब किधर लेना है वो भी आप समझ लो। जैसे आपके पास ये फ्रीडम है कि आप इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये रेड पेन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस साइड और ये मेरा हाथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देखो ऐसे है, तो अब आपके पास फ्लक्स निकालना है, तो मेरे हाथ पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये ब्लू इधर भी हो सकता है और इसके बैक में भी हो सकता है, ध्यान से देखो, इसके अलोंग भी हो सकता है, इसके अपोजिट भी हो सकता है, ये दोनों ही डायरेक्शन मेरे पे परपेंडिकुलर है। लेकिन नॉर्मली ऐसा कंसीडर किया जाता है कि हम लोग जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को मान लेंगे। तो करने का मतलब है कि ये रेड कलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इधर वाले परपेंडिकुलर को ही हम मानेंगे कि ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर। कहने को इधर भी कह सकते हैं, लेकिन इधर करेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन देखो कितना है, 0 डिग्री,
और अगर इधर कर लेंगे तो दोनों के बीच हो जाएगा 180, तो जीरो कॉस जीरो। अभी डॉट प्रोडक्ट हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो अगर इधर मानोगे तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा और अपोजिट करोगे तो फ्लक्स आपका नेगेटिव आएगा। ओके, लेकिन खुद सोचो कि ज्यादातर केस में हम लोग को पॉजिटिव को डील करना ज्यादा इजी होता है, तो इसलिए आप ध्यान रखना कि ओपन एरिया में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन हम उस डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो। लेकिन मान लो अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसे अगर कुछ नहीं बोल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको ये डायरेक्शन ही मानना है, तब तो आपको उसी डायरेक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा जो एग्जामिनर ने कहा है। तो कुल मिला के लास्ट में क्या तुम सीखे, ओपन एरिया कोई भी वॉल्यूम का हिस्सा नहीं होता है और उसमें एरिया वेक्टर प्लेन के यानी मेरा पाम जो है हथेली उसके परपेंडिकुलर होता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन लेना है, वो वाला परपेंडिकुलर लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, ताकि फ्लक्स हमारा क्या निकल के आ जाए, पॉजिटिव। ओके, तो इसके केस में आप दोनों में से जैसे मैंने तो इधर ले लिया है, लेकिन आप ये बोलोगे डायरेक्शन के बारे में, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। ओके, तो इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब आ जाओ बात करते हैं किसका, क्लोज एरिया का। क्लोज एरिया में क्या करना है, अभी देखो क्लोज एरिया में क्या करना है। तो दोस्तों क्लोज एरिया में हमको क्या करना है, तो देखो ओपन एरिया में हमारे पास था ये उपाय कि हम दोनों में से किसी भी तरह के परपेंडिकुलर को चाहे इधर वाले को चाहे इधर वाले को एरिया वेक्टर मान सकते थे, लेकिन क्लोज एरिया में ये फ्रीडम आपके पास अब नहीं है। यहां पे आप क्या करोगे, तो जैसे देखो ये क्यूब है, क्लोज एरिया है क्योंकि इसने एक वॉल्यूम को एनक्लोज किया हुआ है, तो इसके किसी एक फेस पे देख लो, मान लो इसी फेस पे हमने देख लिया। अब इस फेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो इस वॉल्यूम से बाहर की ओर भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। कहने का मतलब है आप इधर भी एरिया ड्रॉ कर सकते हो इसके लिए, यानी वो जो क्यूब है क्यूब के बाहर भी ड्रॉ कर सकते हो और क्यूब के वॉल्यूम के तरफ भी कर सकते हो। लेकिन यहां रूल क्या कहता है कि हम लोग सिर्फ उस एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे, हम लोग सिर्फ उस एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे जो वॉल्यूम से अवे हो, यानी वॉल्यूम से बाहर की ओर। जैसे मान लो अगर ये रूम है तो रूम के दीवार पे दो एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, एक तो आप अंदर की ओर यानी रूम के अंदर की ओर, एक रूम के बाहर की ओर। तो रूल कहता है कि क्लोज एरिया के केस में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो वॉल पे परपेंडिकुलर तो होना चाहिए लेकिन आउटवर्ड यानी बाहर की ओर। अगर मान लो ये ऊपर वाले सरफेस के लिए ड्रॉ करना होगा तो आउटवर्ड ऐसे एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, नीचे वाले के लिए ड्रॉ करना होगा तो डाउन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन पे परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड वाला ही डायरेक्शन आप कंसीडर करेंगे। जैसे स्फीयर है, अब स्फीयर के केस में कैसे ड्रॉ करोगे, तो स्फीयर तो आपका इस तरीके से कोई फ्लैट सरफेस तो है नहीं, ये तो कर्व सरफेस है। तो बहुत सिंपल है, कर्व सरफेस पे जो रेडियस होता है, स्फीयर के केस में जो रेडियस होता है वो उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो सीधी सी बात है, आप कहीं भी अगर ड्रॉ करना चाहते हो, मान लो यहां ड्रॉ करना चाहते हो एरिया वेक्टर, तो बाहर की ओर ही ड्रॉ करोगे क्योंकि ये रेडियस के लॉन्ग होगा लेकिन इनसाइड नहीं, वॉल्यूम के तरफ नहीं, वॉल्यूम के बाहर। तो रेडियस के लॉन्ग आप ड्रॉ करते चले जाओ, ये सारा डायरेक्शन जो दे देगा चारों तरफ एरिया वेक्टर। सिलेंडर के केस में देखें तो यहां टोटल तीन सरफेस है, तो इधर वाले सरफेस देखो ये मैंने बाहर ड्रॉ कर दिया A1, इधर ड्रॉ कर दिया A2। देखो ये फ्लैट सरफेस है इसका, सिलेंडर का वो फ्लैट सरफेस है, तो इधर बाहर हो गया, इधर बाहर हो गया। फिर ये आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसको बेलनाकार सरफेस बोलेंगे, तो इस पे ऐसे ड्रॉ करेंगे A3। तो दोस्तों तुम देख सकते हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा लेकिन आउटवर्ड,
यहां पे आपके पास फैसिलिटी था कि इधर भी और इधर भी, लेकिन इस केस में जो हाँ वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम के तरफ नहीं, वॉल्यूम से दूर एरिया वेक्टर होना चाहिए। क्यूब का भी मैंने ड्रॉ कर दिया, स्फीयर का भी कर दिया, सिलेंडर का भी कर दिया, इन तीनों पे भी मैं प्रॉब्लम भी कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और इन सर्फेसेस का ही मोस्टली पूछा जाता है। तो क्लोज एरिया के केस में लिख देंगे हम लोग कि डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एंड अवे फ्रॉम वॉल्यूम। साफ साफ दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा, तो आप थोड़ा ढंग से लिख लीजिएगा। डायरेक्शन जो हो गया क्लोज क्लोज एरिया के केस में, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हुआ वो सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ और अवे फ्रॉम वॉल्यूम, वॉल्यूम से बाहर की ओर। ओके, तो ये आपका एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्शन को लेके। मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है, जैसे आप ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल एरिया होता है, जैसे डिस्क का हो गया पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का हो गया लेंथ इनटू विड्थ, स्क्वायर का हो गया एल स्क्वायर, सिलेंडर का भी निकाल लेंगे, क्यूब का भी आप निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड को लेके टेंशन नहीं है, टेंशन किस चीज को लेके था हमें, डायरेक्शन को लेके। तो वो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आप इस वीडियो के इस पार्ट को दो तीन बार सुनेंगे, ठीक है ना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दो तीन बार सुनेंगे तो आपको वो और क्लियर होगा, ठीक है ना। मैं बाकी एग्जांपल से आपको और ये बताता हूं, राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों देखो यहां पे कुछ एग्जांपल आपके सामने बनाया गया है, आप देखो इन तीनों ही एग्जांपल में मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म फील्ड लिया है। और तीनों ही केस में ये जो आपका एरिया मैंने कंसीडर किया है, ये आपका एक डिस्क है, ये जो आपका है ये एक डिस्क है जैसा कि तुम देख रहे हो। तो डिस्क है तो देखो पहले डिस्क ऐसे रखो, मान लो मेरे हाथ को अगर आप डिस्क मानते हो तो पहले ये ऐसे रखा हुआ था। तो एरिया वेक्टर तुम इसके परपेंडिकुलर इधर भी मान सकते थे, अपोजिट भी मान सकते थे, दोनों तरफ ही मान सकते थे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन तुमको मैंने बोला है कि तुम फील्ड के अलोंग ही लोगे, ठीक है ना। तो अब देखो फाइव वन इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट ए, तो ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो जानते हो वन होता है, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, बोला था एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके ज्योमेट्रिक एरिया के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ई एज्यूम कर लो, तो फ्लक्स कितना निकल के आ गया, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और तुम देख भी रहे हो फ्लक्स आना भी चाहिए, लाइंस क्रॉस कर रही हैं यहां पे। फिर इस एरिया को ही देखो मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, इंक्लाइन करने से क्या होगा कि इसके ऊपर देखो एरिया को, मान लो ये एरिया वैक्टर है, अगर एरिया को इंक्लाइन करोगे तो देखो एरिया वैक्टर भी इंक्लाइन हो जाएगा, जैसे देखो ये प्लेन है इसको इंक्लाइन किए तो एरिया वेक्टर इंक्लाइन हो गया, तो एरिया वेक्टर आपका ऐसे आ गया। अब ये एरिया वेक्टर फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, तो फिर फ्लक्स कैसे निकाले, ई ए कॉस 60, और कॉस 60 होता है 1/2, तो अब देखो जितना फ्लक्स प्रीवियसली आया उसका हाफ फ्लक्स आ रहा है, तो फ्लक्स घट गया। तुम डायग्राम से भी देख सकते हो इसी एरिया से पहले इतने सारे लाइंस क्रॉस कर रहे थे, जब आप इसको टिल्ट करोगे तो नंबर ऑफ लाइन जो इसको क्रॉस करने वाला है, ये लाइन अब क्रॉस नहीं कर रहा है, ये लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, तो जब आप टिल्ट कर रहे हो तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द एरिया कम हो गया। तो मैथमेटिकली भी देख सकते हो फ्लक्स घट गया, और ऐसे भी तुम प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि फ्लक्स कैसे घट रहा है। इस केस में देखो मैंने उसी डिस्क को साफ ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल कर दिया तो भाई देखो अगर इसको साफ हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो ये पेन हो गया आपका एरिया वेक्टर, अब तो एरिया वेक्टर हो गया ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड सामने, एंगल बीच का कितना हो गया 90 डिग्री, तो अब तुम देख सकते हो कि एक भी लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, जो भी लाइंस वही है लेकिन एरिया वैसे हो गया, तो एरिया ऐसे होने से लाइन इसके ऊपर से भी निकल गया नीचे से निकल गया, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है ना, ऊपर से निकल गया नीचे से निकल गया, तो प्रैक्टिकली भी फ्लक्स जीरो होना चाहिए। अब मैथमेटिकली भी फ्लक्स जीरो कैसे होगा, तो तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है आपका
वो कितना निकल के आ रहा है 90 डिग्री, और cos 90 तुम जानते हो जीरो। तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और उसको कैसे डॉट कर रहे हैं वो समझने में थोड़ी आसानी होगी। अभी हम लोग और एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें एक क्लोज सरफेस का एग्जांपल दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखो, कैलकुलेट नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल बॉडी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे क्या है कि ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और लेंथ कितनी है एल। अब इसे एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया गया। अभी मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं यूनिफॉर्म फील्ड में, देख लो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं यूनिफॉर्म फील्ड में लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है ना। अब ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। अब तुम्हें ये पता करना है कि आखिर इसमें कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। अच्छा, फ्लक्स कैलकुलेट करना या एक टर्म और यूज किया जाता है फ्लक्स लिंक करना, दोनों का मतलब एक ही है, फ्लक्स कैलकुलेट करो या फ्लक्स लिंक पता करो कितना लिंक हो रहा है। पहली बात कि कोई भी जो सिलेंडर है उसमें तीन सरफेस होते हैं। आप इसको कैसे समझोगे, मान लो कोई डब्बा है तो डब्बा का एक ढक्कन होता है और एक पीछे बॉटम, तो ये दो फ्लैट सरफेस हो गए। कोई एक सिलेंडर है इसके ये दो फ्लैट सरफेस हो गए यानी डिस्क के आकार के, और एक बीच में हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस। तो देखो टोटल यहां पे तीन सरफेस है, ये एक फ्लैट सरफेस, इधर से एक ढक्कन लगेगा, एक ढक्कन इधर से लगेगा, तो ये दो हो गए डिस्क वाले सरफेस, और तीसरा ये जो बीच में है ये हो गया आपका कौन सा सिलेंड्रिकल सरफेस। तो टोटल तीन सरफेस से आप फ्लक्स निकाल लोगे तब इसका नेट फ्लक्स आपको निकल के आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन तीनों सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो मेरा मेन एम है आपको समझाना। तो पहले हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान दो इस फ्लैट सरफेस के लिए, तो फ्लैट सरफेस एक डिस्क के आकार का है, तो एक डिस्क पे परपेंडिकुलर इधर हो सकता है और इसके अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन हमको याद आया कि सिलेंडर जो है एक क्लोज सरफेस है तो वॉल्यूम के तरफ तो नहीं हो सकता है, वॉल्यूम से अवे होगा, तो इधर वाला जो A1 है यही इसका एरिया वेक्टर हो गया। ठीक इस तरीके से इस डिस्क के लिए एरिया वेक्टर आपको इधर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा सर, हम इधर क्यों नहीं ले सकते, तो इधर फिर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से अवे सिलेंडर के लिए ये दो सरफेस हो गया, तो इस सरफेस का इधर और इस सरफेस का इधर। क्लोज सरफेस में हमारी मर्जी नहीं चलती है, हमें हर हालत में सरफेस के परपेंडिकुलर लेना पड़ता है एंड अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो इसका A1 इधर हो गया, A2 इधर हो गया, बाकी रह गया बीच वाला सरफेस, तो फिर वो राउंड है तो राउंड वाले का तो रेडियस के लॉन्ग दिखा दो, तो सीधा तीसरा हो जाएगा आपका A3। समझ गए दोस्तों, तो ये तीन आपका सरफेस हो गया। अच्छा फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। तो अब आप टोटल फ्लक्स अगर निकालना चाहते हो तो तीनों का अलग अलग फ्लक्स निकाल के उसको हम लोग अल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे। अल्जेब्रिकली ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि फ्लक्स जो है वो पहले हम लोग समझ चुके हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले φ1 यानी इसका तो लिखेंगे E A1 cos 0। क्यों भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 0। फिर φ2 का मतलब इसका, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये ठीक इसके अपोजिट है, तो ये हो जाएगा आपका E A2 cos 180, है ना दोस्तों, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया 180। और थर्ड देखो ये एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल, तो लिखेंगे E A3 cos 90। तो आप ये समझ लो कि ये cos 90 वाला तो आपका 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये दोनों। तो अब देखते हैं इसका क्या होता है, तो E अब A1 तो देखो इसका जो ये फ्लैट वाला एरिया है ये डिस्क के इक्विवेलेंट है, तो E into लिख दोगे πr² फ्लैट सरफेस तो डिस्क के बराबर है, तो डिस्क का एरिया क्या होता है πr²
और cos 0 कितना हो गया 1। फिर देखो e a2, तो a2 भी आपका क्या है, डिस्क है, तो इसके लिए भी क्या लिख दोगे यहां पे पाई आर स्क्वायर। लेकिन cos 180 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 1। अब प्लस ये तो जीरो हो ही गया। अब देखो ये दोनों फ्लक्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका साइन आगे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो सीधी सी बात है, e पाई आर स्क्वायर माइनस e पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट होके क्या हो गया, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीरो, क्योंकि यहां पे नेट फ्लक्स कितना आ गया, जीरो, क्योंकि इस एरिया का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। इस सरफेस ने जितना पॉजिटिव फ्लक्स पैदा किया, इस सरफेस ने उतना ही क्या कर दिया है, नेगेटिव। तो ऑल टुगेदर ये सारा फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो अभी फिलहाल अभी आप केवल एरिया वेक्टर और बाकी फॉर्मूला कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं उसको आप सही से सीखो और इसको राइट डाउन कर दो, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग लेंगे अभी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे फ्लक्स निकाल के देखते हैं, है ना। तो देखो कैसा क्वेश्चन है, मान लो कि एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और इसको सराउंड करके एक स्फेयर ने रखा हुआ है, एक स्फेरिकल सरफेस है जो इसके सराउंडिंग में है, ठीक है। और अब आप देखो कि इस स्फेयर का जो रेडियस दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है r, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, और सेंटर पे कौन है, चार्ज प्लस क्यू। तो आपको क्या कर रहा है, कैलकुलेट नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। तो पहली बात समझो कि ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का कैसे एग्जांपल हो गया। तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन हर तरफ, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में होती है। तो उस केस में अगर आप फ्लक्स निकालने जाओगे तो निश्चित तौर पे आपको एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाली बात आएगी तो फॉर्मूला मुझे याद आ गया, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी कि ये जो ई डॉट डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू छोटा सा एरिया, ये आपको एक छोटा सा फ्लक्स देगा, और उस छोटे से फ्लक्स को अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स। तो आप क्या करोगे, आप इस स्फेयर में चूंकि हर जगह फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो आप सबसे पहले काम करो, पहले सोचो कि इसका ई एफ एल एस कैसा होगा। तो याद करो ई एफ एल एस तो रेडियली आउटवर्ड निकलता था, हर तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से इससे निकलेंगी जो इस स्फेयर को क्रॉस करते हुए बाहर चली जाएंगी, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हर एक जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब क्या करना है आपको, पहले आपको एक छोटा सा फ्लक्स निकालना है डी फाई। तो डी फाई क्या होगा, तो ई डॉट छोटा सा एरिया। तो डी फाई क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन सब जगह क्या है, अलग अलग। तो आप क्या करो, एक छोटा सा एरिया काट लो, मतलब कि ये स्फेयर है, स्फेयर के सरफेस पे एक छोटा सा सर्कुलर एरिया काट लो, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल पे छोटा छोटा चिप मतलब है ना पैचेस लगे होते हैं, तो वही एक छोटा सा एरिया काटो, ठीक। अब ये एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो रेडियस के लॉन्ग ही होगा। तो ये दो तरीके से हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। तो तुम्हें पता है कैसे होता है, तो तुम्हें क्लोज सरफेस के केस में आउटवर्ड ही लेना होगा। तो देखो ये ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड वाला आपका एरिया वैक्टर है। तो एरिया वैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम।
दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया सेम। तो यहां डॉट प्रोडक्ट में मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। ओके दोस्तों, तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया हो गया डी ए और कॉस 0 हो गया 1। कॉस 0 क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे याद करो बच्चों फॉर्मूला होता था क्यू बाई 4πε0r2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना। तो यहां पे हमने ये लिख लिया और एरिया क्या हमने दिया dA। अब सोचो कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस डी फाइव को इंटीग्रेट करेंगे, तो डी फाइव को इंटीग्रेट करेंगे तो आप एक बात गौर करना, कहीं भी ये हमने यहां कंसीडर किया, अगर ये हम यहां भी कंसीडर करते तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता इधर ही और एरिया वेक्टर भी क्या होता आउटवर्ड। तो ये जो हमने यहां पे सिचुएशन को पुट किया है कि एरिया वेक्टर और फील्ड डायरेक्शन सेम है, दिस इज वैलिड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्फीयर। कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, आप देखो कि आपका फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है सेम है ना। तो अच्छा दूसरी बात यह है कि हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि हर जगह ये जो डिस्टेंस है वो क्या है आर है। तो अब देखो कितना आराम से आ जाएगा अपना, अब यहां पे देखो डी फाइव की जगह ये पूरा रख दोगे तो पूरा क्या रखोगे, तो पूरा रखोगे क्यू बाई 4πε0r2 इंटू डी ए। तो दोस्तों इसमें Q कांस्टेंट 4πε0r कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि कुछ बदल नहीं रहा है, ये सब सब पॉइंट के लिए डिस्टेंस तो आ ही लोगे, तो ये सब बाहर आ गए। तो बाहर क्या आ गया Q बाई 4πε0r2 और अंदर में क्या रह गया dA। तो dA क्या है छोटा सा एरिया, और छोटे छोटे एरिया को अगर ऐड कर दोगे, ये dA हो गया ब्रैकेट में, अगर छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दोगे तो ये स्फेयर का पूरा एरिया हो जाएगा, और स्फेयर का सरफेस एरिया तुम्हें पता है कितना होता है, तो ये सीधा आ जाएगा Q by 4πε0r2 into 4πr2, यानी ये एरिया जो टोटल होगा ये कितना आएगा 4πr2। तो आंसर देखो कितना सिंपल आया, 4π कैंसिल, r2 कैंसिल, तो ऊपर में Q बचा नीचे ε0, तो सीधा जो इसका आंसर आया दोस्तों, तो टोटल फ्लक्स जो निकल के आया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई ε0। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका रिलेशन मैं अगले क्लास में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल इसमें आप समझ लो कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया। कोई पूछेगा सीधा E इंटू डी ए क्यों नहीं किया, तुम कहना कि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग है, इसलिए पहले छोटा सा फ्लक्स निकाला और छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट करके नेट फ्लक्स हमने यहां पे निकाल लिया है, ठीक है ना। डी ए का डायरेक्शन भी लेने का बता दिया मैंने, अंदर नहीं किधर होगा बाहर, तो आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इस पे भी और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों को करने हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट में हम लोग और एग्जांपल करेंगे, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, और एक तो इसमें आगे जाएंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आपको अपलोड होगा वो डीपीपी का सॉल्यूशन का भी होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, फॉर्मूला याद करते रहो।